हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल होम गार्डनिंग एंड आइडियाज़। आज बात करते हैं करी प्लांट के बारे में। आप सभी जानते होंगे हेल्थ के हिसाब से ये बहुत बेनिफिशियल प्लांट है और इसका यूज़ हम खाने में भी करते हैं। साथ ही ये हेयर्स के लिए, स्किन के लिए काफ़ी यूज़फुल प्लांट है। करी पत्ता, जिसे करी लीफ बोलते हैं। तो ये देखिए, मैं आज इसके सीड हार्वेस्ट करने के बारे में आपको बताऊँगी। रेनी सीजन स्टार्ट हो गया है, यही समय है जब इसके सारे सीड्स जो होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं। तो आप इनको कलेक्ट कर लीजिए और नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। आप इस पर सीड देख रहे हैं, ये सीड्स ब्लैक कलर के मैच्योर हो चुके हैं और कुछ अभी मैच्योर होना बाकी हैं। तो जो ब्लैक कलर के मैच्योर हो चुके हैं, पक चुके हैं, उन सीड्स को मैं कलेक्ट करूँगी। अभी इस प्लांट में कुछ सीड्स जो हैं वो इस तरफ भी लगे हुए हैं, लेकिन अभी ये मैच्योर नहीं हुए हैं। तो जब ये काले रंग के हो जाते हैं तब मैं इनको तोड़ लूँगी। तो देखिए आप कैसे इनको कलेक्ट कर सकते हैं। आप इन बीजों को, मैच्योर बीजों को, यहाँ से इस तरह से निकाल लीजिए। ये इस तरह से ये बीज कलेक्ट करने हैं। तो मैं जो सारे पक गए हैं बीज, उनको मैं इस तरह से तोड़ लूँगी। इस तरह से मेरे पास ये बीज हो गए हैं कलेक्ट करी लीफ के। अब इन बीजों को ग्रो करके हम आसानी से नए प्लांट्स बना सकते हैं। आप देखिए इधर नीचे गमले में भी कुछ बीज गिर गए थे, तो ये नए छोटे छोटे से प्लांट्स ग्रो होना स्टार्ट हो गए हैं। तो इस तरह से आसानी से आप इन बीजों से करी लीफ का प्लांट जो है वो आप उगा सकते हैं। आप चाहें तो कहीं भी, आपको यदि ये बीज मिल जाते हैं तो वहाँ से ले आएँ और आप अपना सॉयल मिक्स में उसको डाल के और ग्रो कर लीजिए। अब इन बीजों को करना क्या है, इन बीजों को पहले पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे, क्योंकि जो इनके अंदर, जो बीज के अंदर का हिस्सा है वो है सही सीड। ये ऊपर का इसका छिलका होता है जिसको कि हम हटा देते हैं। तो इस तरह से पहले आप सारे छिलके बीज के हटा दीजिए। ये यदि आपने ये बीज जो है वो समय पर कलेक्ट नहीं किए तो ये वहीं पर गिर जाएंगे गमले में और फिर इनसे नए प्लांट कुछ अपने आप हो जाएंगे, लेकिन बाकी आप लगा नहीं सकते हैं तो वो वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए आप समय रहते जैसे ही बीज पक के तैयार होता है इसको कलेक्ट कर लें और अब आप जब चाहें तब लगा सकते हैं। तो ये मैंने इनके छिलके उतार दिए हैं और इसको आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा आप पानी में धो लीजिए। इस तरह से ये देखिए, ये बारिश का पानी रखा है मैंने स्टोर करके, तो उसमें मैं धो के बता रही हूँ। ये बीज आपका कलेक्ट हो गया और इस बीज को आप फिर सॉयल मिक्स में, मैं आपको प्रोसेस अगले वीडियो में बताऊंगी किस तरह से इसे ग्रो करना है और इसमें किस तरह की फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है ताकि हेल्दी प्लांट बने। तो अभी तो मैंने आपको यही बताया है कि इसके सीड्स हैं उनको कैसे कलेक्ट करते हैं और कौन सा समय होता है इन्हें कलेक्ट करने का। तो ये मेरा आज का वीडियो था सीड हार्वेस्टिंग का। थैंक यू।